योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हमारे परम श्रद्धेय पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज जी, जो हमारी गुरु परंपरा, संत परंपरा, ऋषि परंपरा की गौरव हैं, और हमारे परम आदरणीय हैं, और उनको हम श्रद्धेय भी इस रूप में कह सकते हैं कि वो हमारी तरह से फकीर ही हैं। वो अपने इस अध्यात्म योग का निर्वहन करते हुए राज धर्म का भी, राष्ट्र धर्म का भी पालन कर रहे हैं, भगवान का दायित्व मान करके, निमित्त मात्र हो करके। ऐसे हमारे योगी, राजयोगी, कर्मयोगी मुख्यमंत्री श्री खट्टर साहब को भी मेरा प्रणाम। सब महापुरुषों को मैं पहले ही प्रणाम कर चुका हूँ। मुख्यमंत्री जी के आने से पहले मैं संक्षेप में बस ये कहना चाहूँगा, आज मुझे योग करते करते 40 वर्ष से ज़्यादा का वक्त हो गया है, और मैं अपने शरीर में, अपने प्राणों में, अपने चित्त चेतना आत्मा में अभी भी 20-25 साल के युवा जैसी ऊर्जा रखता हूँ, और मेरी बायोलॉजिकल एज भी 25 साल से ज़्यादा नहीं है। मेरा हार्ट, मेरा लीवर, मेरी किडनी, मेरा बीपी, मेरा शुगर, सब कुछ जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में एब्सोल्युटली परफेक्ट है। अब मैं इसके साथ व्यवहारिक कुछ बातें कहना चाहता हूँ। जैसे हमारे खट्टर साहब ने अभी कहा, योग चित्त वृत्ति निरोधा, योग कर्म सुकौशलम, समत्वम योग उच्यते, योगो भवति दुःखः, योगो ही प्रभवा पेयो अयम तो परमा धर्म यत योगेन आत्मदर्शन। जो योग की परिभाषाएं हमने पढ़ी, मैंने उसका प्रयोग किया, और अभी तक करीब 10 से 20 करोड़ के बीच में लोगों के साथ में इंट्रैक्शन हुआ। करीब 20 लाख किलोमीटर में देश दुनिया में घूमा हूँ, और 200 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अलग अलग देश दुनिया में वीडियोस देख करके, आजकल तो सारी विज्ञान ने दुनिया मिटा दी, अलग अलग टीवी चैनलों पर, अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पर। अभी मैं पिछले 2.5 महीने से लगातार एक दिन भी मैंने छोड़ा नहीं है, जब से कोरोना माने लॉकडाउन वाली बात आई और उसके जनता का कर्फ्यू की बात आई, तब से एक दिन 2.5 महीने से ज़्यादा का कालखंड हो गया है। और उसको संख्या की दृष्टि से देखें तो करीब करीब 200 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अलग अलग प्रकार से वीडियोस देखे और योगाभ्यास किया। अब इसका मैं कुछ संदर्भ ये लेना चाहता हूँ कि कोरोना जिन कारणों से होता है, अस्थमा माने कोरोना होने के बाद जिन कारणों से, कोरोना के कारण से व्यक्ति सफ़र करता है या उसे बाहर नहीं निकाल पाता है, कोरोना यदि अटैक करे तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पाते? जिसका लंग वीक है, जिसको हाइपरटेंशन, जिसको हार्ट के प्रॉब्लम है, जिसको डायबिटीज़ है, जिसकी इम्यूनिटी लो है, जिसको क्रॉनिक डिजीज़ है, तो एक साथ योग करने से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल होती है, मल्टीपल डिजीज़ कंट्रोल होती है, क्रॉनिक डिजीज़, बीपी कंट्रोल होता है, हार्ट की प्रॉब्लम ठीक होती है, स्ट्रेस कंट्रोल होता है, बॉडी माइंड सोल सब एकदम बैलेंस। और ये हुआ, पहले हमने क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी और अब तो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल भी कर लिया, ठीक है। योग के साथ हमने आयुर्वेद का भी प्रयोग किया, 100% रिकवरी रेट, 0% डेथ रेट, ये आयुर्वेद से भी हमने करके दिखा दिया और योग से भी करके दिखा दिया। ये दोनों बड़ी बातें हैं संसार के लिए, और ये पूरे विश्व को भारत के ऋषियों की बहुत बड़ी देन है, और सारा विश्व आज भारत का इस रूप में कृतज्ञ भी है कि योग आयुर्वेद की विद्या पूरे विश्व को भारत से मिली है। यो बड़े रूप में उसको देखा जाए तो कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ आवर बॉडी माइंड एंड सोल थ्रू योगा, दिस इज द बेनिफिट ऑफ योगा फर्स्ट। सेकंड, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, कंप्लीट बैलेंस ऑफ ऑल केमिकल सोर्स एंड हार्मोन्स, rejuvenation of ourselves and achievement of life divine, these are the 5 benefits of yoga. और ये experience में आने वाली चीज़ें हैं। योग के कुछ हमारे यहाँ पर योग और अध्यात्म के कुछ अदृष्ट लाभ भी कहे हैं, जैसे मोक्ष है जिसमें हम जीवन का निर्माण करते हुए निर्वाण को प्राप्त होते हैं, ये अदृष्ट लाभ है, इसको हम इवेलुएट नहीं कर सकते, लेकिन जो मैं अभी बता रहे थे हम इसको इवेलुएट कर सकते हैं। और
जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि योगी व्यक्ति सदाचारी होता है, योगी व्यक्ति वो सकारात्मक होता है, वो आशावादी होता है, वो योग करता हुआ, कर्मयोग, पुरुषार्थ, परमार्थ करता हुआ इस संसार के लिए बहुत बड़ा उपयोगी होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, तपस्या को योगी ज्ञानी भ्योपिमतोधिक कर्मी भ्यद को योगी तस्मात योगी भवार्जुन। तो आज मैं संक्षेप में यही कहता हुआ कि जो योग अपने आत्म कल्याण से लेकर के विश्व कल्याण का साधन है, वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड पीस, प्रॉस्पेरिटी, वर्ल्ड हार्मनी के लिए योग के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि योग के मूल सिद्धांत ही हैं एकत्व, सहअस्तित्व, विश्व बंधुत्व, और ये सीधा असर करता है हमारी बॉडी, माइंड, सोल के ऊपर। तो ये एक रोग मुक्ति के लिए नहीं, व्यसन मुक्ति के लिए, नशा मुक्ति के लिए, और एक हिंसा मुक्त, एक झूठ, बेईमानी, दुराचार, कदाचार मुक्त, एक अशुचिता, अपवित्रता, तमाम तरह की जो दुर्बलताएं हैं, जो पराधीनताएं हैं, दुर्गुणों से, दोषों से मुक्त एक व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए योग एक बहुत बड़ी देन है हमारे पूर्वजों की। और इसको, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, इसको समग्र रूप से हम लोगों को अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। खाली आसन प्राणायाम ही नहीं, ध्यान ही नहीं, हम अष्टांग योग सहित इस योग के समग्र चेतना को अपने भीतर धारण करें, तो उससे फिर अपने भीतर से ही ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राज योग, अष्टांग योग पूरे हमारे आचरण से अभिव्यक्त होगा। तो निश्चित रूप से ये हमारा जीवन भी बहुत सुंदर होगा और ये जगत भी बहुत सुंदर होगा। मैं एक बार पुनः सब महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ, और 21 जून को एक दिन के लिए ही नहीं, हम पूरे जीवन भर के लिए योग करने के लिए भी संकल्पित हों, और उससे हम स्वास्थ्य के संदर्भ में भी आत्मनिर्भर बनेंगे, और जो योग व्रति होगा वो निश्चित रूप से स्वदेशी व्रति भी होगा। और इस समय भारत को आत्मनिर्भरता की बहुत आवश्यकता है, जिस तरह से चीन ने युद्ध जैसे हालात बना दिए हमारे बॉर्डर पर, और हमारे मित्र देश नेपाल को भी भड़का रहा है, युद्धों का समाधान भी योग ही है। इसलिए हमें योग व्रति बनकर के, स्वदेशी व्रति बनकर के भारत को स्वास्थ्य के संदर्भ में आत्मनिर्भर बनाना है, आर्थिक आत्मनिर्भरता से लेकर के सब प्रकार के आत्मनिर्भरता से युक्त एक परम वैभवशाली राष्ट्र के लिए योग की बहुत बड़ी भूमिका। 21 जून को भी सब मिलकर के योग करें, और फिर प्रतिदिन जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी रोज योग करते हैं, जैसे हमारे पूज्य ज्ञानानंद जी से लेकर के जितने आज महापुरुष हैं इस गोष्ठी में, सब रोज योग करते हैं, जैसे हमारे मुख्यमंत्री के साथ साथ हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहे आदित्यनाथ योगी जी हों, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, राजनाथ सिंह जी हों, मैं सबको, क्योंकि करीबी से उनके साथ मेरा संबंध है, डेली योग करते हैं। ऐसे ही ये पूरा राष्ट्र और विश्व योगमय हो तो ये निश्चित रूप से इस संसार के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। योग, योग से बड़ा कोई बल नहीं, योग से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, योग से बड़ी कोई शक्ति नहीं, योग से बड़ी कोई भक्ति नहीं, योग से बड़ा कोई सामर्थ्य नहीं, योग से बड़ा कोई साम्राज्य नहीं, योग से बड़ा कोई ऐश्वर्य नहीं, योग से बड़ी कोई सफलता, विजय नहीं। ऐसे इस योग को हम जीवन में धारण करें ये आह्वान के साथ, और 21 जून को तो बड़ी संख्या में करें ही करें, ये हर दिन का हमारी जीवन का हिस्सा बन जाए, क्योंकि हमारे सामने दो ही विकल्प हैं, कि योग एक रोग। यदि योग नहीं करेंगे तो रोग तो हमें चारों ओर से आ घेरेंगे, वो तो बाट जो रहे हैं, चारों ओर से घात लगाए बैठे। तो हम इन सब रोग और विकारों से बचें। माँ गंगा के चरणों में यही प्रार्थना करता हुआ, और भगवान के चरणों में सबके दीर्घायुष्य के लिए अपने आत्मनिवेदन करता हुआ अपनी बात को विराम देता हूँ। और जिस तरह से यशस्वी रूप से हरियाणा में योग को बढ़ाया गया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 1000 व्यायाम शालाएँ वहाँ पर है, 1000 योग शिक्षक, और बात यहीं तक नहीं, उसको शिक्षा में और स्वास्थ्य में उसकी अनिवार्यता के साथ सबके जीवन में उसका समावेश करने के लिए एक हमारे योगी कर्मयोगी मुख्यमंत्री ने जो पुरुषार्थ किया है, ऐसे खट्टर साहब को एक बार पुनः प्रणाम, और आदरणीय श्री डॉक्टर नागेंद्र जी को, वसु रेड्डी जी को, और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय को भी, जिनके मार्गदर्शन में ये योग बहुत ऊंचाई पर पहुंचा है, और अंततः श्री नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, भारत में भगवान ने इसको एक जन आंदोलन के रूप में खड़ा करने के लिए हमको निमित्त बनाया, लेकिन विश्व पटल पर इसको गौरव दिलाने के लिए, इंटरनेशनल इसको पॉलिटिकली रिकॉग्नाइज इसको करने के लिए जो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रयास किया है, कि अविस्मरणीय है, ऐतिहासिक है,
और यह इस योग परंपरा में और इस 21वीं सदी तो योग और अध्यात्म के इससे आगे भी युगों युगों तक एक यशस्वी कार्य ऐसा मोदी जी ने किया है जिससे कि उनको युगों युगों तक जमाना याद करेगा। उनको भी मेरा विनम्र प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। और भाई हमारे डॉक्टर जयदीप आर्य जी जो जिनके मार्गदर्शन में योग परिषद के माध्यम से हरियाणा में गांव गांव तक ये कार्य आगे बढ़ रहा है, ऐसे डॉक्टर जयदीप आर्य जी को और सारे उन सामाजिक संस्थाओं को जो इस योग के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं उनको भी और योग परिषद के सब कार्यकर्ताओं को, पतंजलि योग समिति सहित सारे कार्यकर्ताओं को, भाई राकेश जी सहित सबको, ईश आर्य जी सहित जो इस योग को बहुत प्रामाणिकता से अभी भी वर्चुअली भी होगा तो भी लाखों लोग नहीं करोड़ों लोग इसमें भागीदार होकर के करेंगे ऐसा मैं अपेक्षा रखता हूँ। आदरणीय डॉक्टर जयदीप जी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद।